देखिए, ये है सरसों का साग। ये बहुत फ्रेश है, जिसको साफ करके मैंने धो लिया है। ये फ्रेश इसलिए है क्योंकि ये मुझे मेरी हाउसमेट ने लाके दिया है, खेतों से तोड़ करके तुरंत ही लाकर दिया है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। ये बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी है। आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग और मक्के की रोटी। देखो, फर्स्ट टाइम साग बना रही हूँ, कैसा बनता है मुझे भी नहीं पता, पर चलो ट्राई तो करते हैं। सरसों के साग में डालने के लिए मैं यहाँ पे ये अदरक, लहसुन और मिर्ची ले रही हूँ। इसका मैं एक दरदरा सा पेस्ट बनाऊंगी। प्रॉपर पेस्ट पेस्ट तो नहीं, थोड़ा दरदरा करूँगी इसको। और फिर ये तड़के के लिए प्याज और टमाटर और लहसुन वगैरह डालना है। अब चलो शुरू करती हूँ मैं। भाजी भी मैंने धो ली है। और ये यहाँ पे हमारा अदरक, लहसुन और मिर्ची ऐसे दरदरा बनाना था, ये इसके रेडी हो चुका है। अब हम भाजी रखते हैं उबालने के लिए। अभी भाजी हम कुकर में डाल देते हैं, ये सारी जाएगी इसमें। ये अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है, इसको मैं कुछ इसमें डाल दूंगी। इतना डाल देती हूँ, करीबन 2 चम्मच। और ये 1 चम्मच का इतना हमने बचा लिया है। और ये है मक्के का आटा, जिसका हमने ये इस टाइप का पेस्ट बनाया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के और डाल देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा हम और पानी डाल देते हैं भाजी करने के लिए। अब ये 1 ग्लास के जितना पानी और है, इसको हम डाल देंगे भाजी में। अब ये कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है और फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और इसको अब हम 1 विसल होने तक रखते हैं और उसके बाद देखते हैं। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अब इसे हमें मैश करना है, मैश करते हुए पकाना है। और इस मैश में नमक डालना भूल गई थी, इसको उबालते टाइम भी इसमें नमक डालना होता है, पर मैं भूल गई थी। तो चलो कोई ना, अब हम फ्राई करते टाइम कर देंगे। तो इसको मैशर की हेल्प से मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो इसमें मैं डालूंगी घी। घी से तड़का लग रहा था वीडियोस में, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये है तड़के का मटेरियल, जो भी है। प्याज ले रहे हैं, हरी मिर्ची टुकड़े करके बड़े बड़े, और ये टमाटर, और ये वही बचा वाला अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा वाला पेस्ट है। और 2 मिर्ची लेंगे, लाल साबुत मिर्ची। और हमारा यहाँ पे घी गरम हो गया है। अब हम डालते हैं इसमें जीरा। 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया, इसको तड़कने देंगे। और फिर इसमें जाएगा प्याज, चौथा होने के बाद में हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्याज हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और ये लाल मिर्च, सब साथ में डाल देंगे। और इनको भी हम पकने देते हैं, खुशबू आते थे कुछ के पत्तों तक। हमारा पेस्ट हो चुका है, मिर्चियाँ भी अच्छे से भुज गई हैं। अब इसमें जाएगा कुछ मसाले, तो ये डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और मैं यहाँ पे आधी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, क्योंकि हम मिर्च कम खाते हैं। और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच। बस इनको थोड़ा सा भून लेना है, और फिर धीमी आंच में भूनेंगे हम मसालों को। फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर, और अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि भाजी को उबालते टाइम भी हमने नमक नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा और, बस इतना ही डालेंगे अभी तो भाजी, क्योंकि पकने के बाद थोड़ी कम सी हो जाती है। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और ढक कर। यहाँ टमाटर गल चुके हैं और घी भी सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है, ये अच्छे से गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे भाजी। अब इसको ऐसे मिलाते हुए पकाना है कुछ मिनट तक, और धीमी आंच रखनी है।
यानी आज में हम इसको ऐसे पकाते रहेंगे, 4-5 मिनट तक एटलीस्ट पकाएंगे हम इसको। इसलिए मैंने ये चम्मच लिया है, इससे क्या ना मैश होते रहते हैं अच्छे से। दिख तो बहुत अच्छा रहा है और खुशबू भी बहुत यम आ रही है। अब देखते हैं खाने में कैसा बना है फर्स्ट। तो यहाँ हमारी ये भाजी बनके रेडी हो गई है, सरसों का साग।